चलिए आप सब अपना रोजा खोलिए, कल चांद रात है और परसों ईद। अब्बा हुजूर, ईद पर होगा जश्न धमाकेदार, और मिलेंगे ढेर सारे उपहार। फुफू, मेरा कुर्ता देखो ना कितना पुराना हो गया। इस बार ईद पर आपकी तरफ से मुझे आप कम से कम 10-20 कुर्ते सिलवा देना, है का नहीं? मेरी ईदी। जरूर जरूर जरूर। जहाँ पर हमने तो हमारे पूरे परिवार के कपड़ों का नाप लेकर शाही दर्जी को दे दिया। तब तो हम ही पीछे रह गए, अभी जाके दर्जी को नाप दे आते हैं। इस बार ईद में हमें भी तो नया लहंगा चाहिए। वैसे अनारकली जी, नाप लेना तो हमें भी बहुत अच्छे से आता है। खामोश खरगोश। ये सारी बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। बीरबल, हमें ये बताइए कि ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जा बना, हमने आपकी तरफ से सभी पड़ोसी राज्य के राजाओं को ईद के शाही जश्न में शामिल होने का न्योता भेज दिया। बहुत खूब बीरबल। इस खास मौके पर हम चाहते हैं कि एक बहुत ही खास रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। हर साल की तरह अव्वल कव्वालों को बुलाया जाए। जी जाफर। और अभी से 2 दिन तक सारे के सारे काम बंद, ताकि हमारे सारे दरबारी अपने परिवार के साथ ईद मना सके। और कुछ किसी के लिए? और बहुत कुछ है झापना, शुरू से लेकर अब तक सबकी तरक्की हुई है, लेकिन हम वैसे के वैसे भला लेकर के खड़े हैं। इस ईद के मुबारक मौके पर हमें भी थोड़ा सा ऊपर। अरे जरूर जरूर, ईद के इस मौके पर हम चाहेंगे कि राजा दरबार जहाँ पर खड़े रहते हैं वहां पर एक छोटा सा तख्ता लगा दिया जाए। हाँ। ताकि ये उसके ऊपर खड़े होकर थोड़े से और ऊपर हो जाए। वाह जहाँ पना, वाह 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 वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहिबा। अब आप देखिएगा इसमें से किस तरह फर 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 पानी निकलता है। अरे हम इसकी बात नहीं कर रहे जहाँपना। ओहो, फिर तो कमाल की बात है रानी साहिबा कि आप हमारी वाहवाही कर रही हैं। बताइए ऐसा कौन सा तीर मार दिया हमने? जहाँपना, हम वो वाली वाह नहीं कर रहे, दिल से आ निकल रही है। आ, आ, जहाँपना, आ, आपने सबको सबको कह दिया, ऐलान कर दिया कि सब अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को जश्न ईद पे न्योता दे सकते, लेकिन एक बार भी हमसे पूछा कि हम किसी को बुलाना चाहते हैं या नहीं चाहते। ओहो, तो ये बात है। और ये बात बहुत बुरी है जहाँपना। रानी साहिबा, इसमें क्या पूछना पूछाना, आपको जितनी भी सहेलियों को सखियों को बुलाना है आप बुलाइए ना। तो वैसे भी हमने तो अपनी सारी सखियों को जश्न ईद के लिए न्योता भेज दिया। अब आपने बुला ही लिया है रानी साहिबा, तो आप फिर क्यों आग बबूला हो रही है? जहाँपना, क्योंकि आपका फर्ज बनता है। माना कि हमने न्योता भेज दिया है, लेकिन हम आपकी बेगम हैं, आपको पूछना तो चाहिए। आप तो बेगम हैं, हमने कब कहा कि आप हमारी जिंदगी भर का गम हैं? क्या? देखिए रानी साहिबा, अब ये जो भी हो रहा है ना, ये खामा खा की लड़ाई कर रही हैं आप। जहाँ पे ना, वो क्या है ना, दिन में एक बार, बस एक बार आपसे छोटी मोटी नोक झोंक नहीं होती ना, तो हमारा खाना कुछ हजम नहीं होता। चलिए आज का खाना तो हजम हो गया, कल मिलते। आप अपने हाजमे के लिए हमें इस्तेमाल करती हैं, हम चूरन हैं। कौन है? हम हैं। हम भी हैं। अरे हम हैं शहजादे सलीम, शाही खून है हम। क्या हम अंदर आ जाएं? आ जाइए। अनारकली जी, क्या हुआ? आप इतनी मुरझाई मुरझाई सी क्यों हैं? क्या करें? इस महल में हमारे हुनर की तो कोई कदर ही नहीं है। सोचती थी जहाँपना ईद के मौके पे हमें अपना हुनर दिखाने का मौका देंगे, पर बाहर से कौवा लोगों को बुला रहे हैं।
अच्छा इस बात से खफा है? कोई बात नहीं, हम अभी और इसी वक्त आपका हुनर देखने के लिए तैयार है, दिखाइए। हमारा जलवा कोई हलवा नहीं है जो कहीं भी कभी भी शुरू हो जाए। अगर आपको हमारी अदा देखने का इतना ही शौक है तो जहाँ पना से कहकर ईद के मौके पे हमें भी अपना हुनर बिखेरने का मौका दिलवाइए ना। इतनी सी बात, समझिए आपका काम नहीं होगा। हो गया क्योंकि शैखून है हम, और हमारे अब्बा हुजूर हमारी बात कभी नहीं टालते। सच्ची मुच्ची? सुनो सुनो सुनो, देखो देखो क्या हुआ। अरे वासु चिल्ला रहे हैं मगर, चलिए सुनो, देखो देखो देखो, सुनो सुनो, देखो देखो। वासु बेटा क्या हो रहा है? उफे, किसी ने मुझे कागज मारा। कागज मारा? दिखा पत्थर में लपेट के कागज मारा, इसमें कुछ लिखा भी हुआ, लगता है खत है। ओहो खत, किसका खत है ये? फूफू मैंने ना खोल के देखा नहीं, मैंने सोचा शायद किसी का प्रेम पत्र होगा। ये भी आपने ठीक किया, क्या पता हमारे लिए किसी ने। जा अपना। रानी साहिबा हम मजाक कर रहे हैं, हमें प्रेम पत्र कौन भेजेगा? इतनी भी हंसने वाली बात नहीं है भेजने वाले। खैर बीरबल, बीरबल आप जरा इस खत को पढ़िए, यकीनन ये खत आप ही के लिए होगा। अरे पढ़िए ना। अब ये कितना शर्मा रहे हैं आप लड़कियों की तरह, चलिए पढ़िए खत पढ़िए। जापना इसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि आप आज रात चांद देखने का इंतजार कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि इस बार आपके महल और रियासत में ईद नहीं मनेगी। क्या? क्योंकि आसमान का चांद आज से छुट्टी पर जा रहा है। जब दिखेगा ही नहीं चांद तो फिर कैसे होगी चांद रात, और आप कैसे मनाएंगे ईद? अब बस आप अगले साल ईद का इंतजार कीजिए। शुक्रिया। ये कैसा भद्दा मजाक है, किसने लिखा ये खत? किसी गुमनाम ने भेजा है। जब गुमनाम, अजीब सा नाम नहीं है? जापना गुमनाम नाम नहीं होता, जब खत के नीचे किसी का नाम नहीं लिखा जाता हमें पता नहीं होता कि खत किसने लिखा है, तब हम कहते हैं कि जिस आदमी ने खत भेजा उसका नाम नहीं पता, यानी कि किसी गुमनाम ने भेजा है। जापना क्या जरा जोर से बोली ना, कानों में जापना जापना कर रहे हैं। जापना इसके बारे में हम जानते हैं। क्या जानते हैं? जापना कुछ दिनों पहले कतरनी को हमने बाजार में इसके बारे में बात करते हुए सुना था। सुनो सुनो सुनो, आप लोग ईद की कोई भी खरीदारी ना करें क्योंकि इस बार ईद नहीं मनने वाली है। ए, क्या पागलपन की वाली बातें कर रहे हो? सच कह रहे हैं हम, हमारी कोई भी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है क्योंकि इस बार ईद नहीं मनेगी, क्योंकि इस बार ईद का चांद गायब होने वाला है। अरे ये सब धकोसला है, हम इन बातों में यकीन नहीं रखते। बीरबल हमारी ईद की तैयारियां जैसे चल रही हैं उन्हें वैसे ही चलने दीजिए, और आप सब यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, जाइए ईद की खरीदारी कीजिए। आज चांद रात है, कल जश्न ईद है, जाइए 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 सब। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं। अनारकली जश्न ईद के मौके पर नृत्य करना चाहती है, कव्वाली गाना चाहती है, तो हम चाहते थे कि अब्बा हुजूर आप भी तो वही चाहते होंगे ना? बिल्कुल नहीं। महल की कोई भी कनीज नाच या कव्वाली में शामिल नहीं होगी, इसलिए अनारकली को भी इजाजत नहीं है। हर साल की तरह कव्वाल दिलकुश और उनकी बेगम अफसाना कव्वाली का जलवा बिखेरेंगे। अब्बा हुजूर बोला ना नहीं? सुन लिया आपने, सुन लिया, हमें तो कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। पर मल्लिका हिंदुस्तान ने जो कह दिया सो कह दिया, तो हम भी कह देते हैं तक लिया। हाँ, चल बस चल। आदाब, आदाब, आदाब। हाँ कौन है आप?
क्या है आप दोनों का? छुट्टन इनका नाम और इनका बड़े छुट्टन। अरे नाप लेके क्या खाक करेंगे जब यही नहीं पता कि चांद उगेगा कि नहीं। अरे चांद की क्या बात है, आप है ना चांद कली। हाँ भाई हम आपको उगा देंगे है कि नहीं। अरे मियाँ क्या बात हो गई, बहुत तकलीफ में लग रहे हो, फंसे फंसे से महसूस हो रहे हो। अरे मियाँ हमने नहीं कहा कि शाही खून है, हम शाही खून है हम, आपने क्यों कहा है कि नहीं। आप दोनों भाई देखिए अनारकली हम वो अनारकली हमने सोचा था कि हम आपको खुश कर देंगे फर्जी दर्जी बनकर, इसलिए। हाँ अनारकली जी, अब ईद के मौके पे आप ऐसे मुंह लटका के क्यों हैं? अरे ईद का मौका है, हंसिए गाइए मुस्कुराइए, आइए हमारे साथ आइए। आप रहने दीजिए, यहाँ बैठ के आप बड़े डींगे हाथ रहे थे ना, अब वो हुजूर हमारी बात कभी नहीं टालते क्योंकि शाही खून है हम, शाही खून है हम, शाही खून है हम। अरे वो तो हमारी अम्मी जान वहाँ थी, वरना अब्बा हुजूर हमारी कभी भी बात टालते नहीं है। अरे गजब हो गया, सुनो सब लोग गजब हो गया। अरे चलिए चलिए जल्दी चलिए देखते कौन है। अरे गजब हो गया, सुनो सब लोग गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब गजब, सुनो सब लोग गजब हो गया, गजब हो गया। अरे गजब हो गया। क्या हुआ राजा दरबार, क्यों इतनी हाई तौलों मचा के रखी है? इस बात की चिल्लम चिल्ली चल रही है यहाँ। शहजादे सलीम गुमनाम खत में लिखी हुई बात बिल्कुल सच हो गई। पागल आदमी बताइए, शहजादे सलीम गुमनाम खत में लिखी हुई बात बिल्कुल सच हो गई है? गुमनाम खत में लिखी हुई बात बिल्कुल सच हो गई है, आसमान से चांद गायब है और ये सब लोग सारे के सारे पागल लोग उसी को देखने के लिए भाग रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अरे हटिए हटिए। अरे गजब हो गया, गजब गजब, इतना गजब पहले कभी नहीं हुआ। बीरबल मौलवी साहब के मुताबिक ईद का चांद हमें आज दिखाई देना चाहिए था, लेकिन इस आसमान को देखिए, इससे ज्यादा काला आसमान तो हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। हाय अल्लाह, ये चांद को किसकी बद्दुआ लग गई? मेरी अकल कहती है कि जरूर चंदा मामा ये करने गए होंगे। चुप कर वासु, तुम दोनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं? अम्मी जान हम वो दर्जी बनकर। हाँ हाँ हाँ, आपको ना शहजादे सलीम किसी दर्जी के घर पर ही पैदा होना चाहिए था। पर फूफू उसके लिए तो पहले आपको दर्जी बनना पड़ेगा ना। खामोश खरगोश। बीरबल ये क्या हो रहा है, चांद क्यों नहीं दिख रहा? रानी साहब परेशान होने की कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि मौलवी जी की बताई गई तारीख के एक आध दिन बाद चांद निकल सकता है, ऐसा अक्सर होता है, हम पता करते हैं। बीरबल आज चांद नहीं आया ये तो ठीक है, लेकिन अगर कल चांद नहीं आया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमारी आवाम कहीं उस नजूमी की बातों में यकीन ना करने लगे, अगर ऐसा हुआ तो पूरी रियासत में बड़ी अफरा तफरी होगी। बीरबल जापना हम राज ज्योतिषी से भी पता करते हैं कि आज और कल में कोई चंद्र ग्रहण तो नहीं। बराए दरबार आप उस नजूमी को हमारे पास ले आइए जो भविष्यवाणी करता फिर रहा है कि चांद नहीं निकलने वाला। जी हम बेकसूर हैं जापना। आपका क्या कसूर, आपने कहा चांद गायब हो जाएगा और चांद गायब हो गया, इससे बड़ा और कसूर क्या हो सकता है? नाम क्या है आपका? सतरंगी। सतरंगी नाम तो बड़ा रंगीन है। सतरंगी जी ये जो खत है ये आपने लिखकर महल में फेंका?
हम तो अनपढ़ हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते। आप बताइए, आपको पता कैसे चला कि चांद गायब होने वाला है? वो जापाना हमें सपने में दिखा। क्या है कि हम सपने में जो देखते हैं ना, वो सच होता है। वाओ, रात में सपने, दिन में सच में? हाँ, वो हमारा सपना ना हमेशा सच होता है। तो आपने अपने सपने में ये भी देखा है कि कल भी चांद नहीं आएगा और ईद नहीं मनाई जाएगी? हाँ जापाना, दुख की बात है पर हमने सपने में ऐसा ही देखा है। जापाना, हमारे राज जोशी के अनुसार इस वक्त चंद्र ग्रहण का कोई योग नहीं, लेकिन सतरंगी जी के सपने का कोई तो हल निकालना होगा, क्योंकि ईद तो हमें हर हाल में मनानी है। माफी हुजूर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें सपने में जो दिखता है वो हम बता देते हैं, पर हाँ कभी कभी सपने में हमें समस्या का समाधान भी दिखता है। तो ठीक है, अभी आप सपना देखकर बताइए कि चांद कहाँ छुमंतर हो गया और कैसे वापस आएगा। पर हुजूर, ऐसे खड़े खड़े बात करते करते सपना नहीं दिखता ना। अरे तो बैठ के देख लो ना सपना सतरंगी जी, रखा नहीं। हाँ, सतरंगी के लिए एक कुर्ती, मतलब कुर्ती से कुर्सी लाई जाए जिस पर बैठ के ये शाही सपने देखेंगे। सहजादे, सपने बैठ के नहीं, सोते समय नींद में देखे जाते हैं। उसके लिए हमको एक प्यारी सी जगह दीजिए जहां हम सोएंगे। जितनी प्यारी नींद उतने प्यारे सपने, उतने ही निराले हल। तो ठीक है, सतरंगी को सपने देखने के लिए दिया जाए सोने का कमरा। सोने का मतलब सोने के लिए कमरा, ताकि ये सपने देख पाए। लेकिन अगर कल तक भी आपने हमें हल नहीं दिया तो आपके दिमाग में घुसकर हल जोत देंगे हम। अरे अरे, आइए आइए, राजा मस्का और राजकुमार चस्का, आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए 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 राजा चुस्की, आइए हमारे महल में, आपका हम इस्तकबाल करते हैं। जापना, हम आपके लिए ईद का तोहफा लाए हैं। अरे आज पर देंगे तभी जब चांद निकलेगा। जी जी जी, आप आइए, तशरीफ रखिए, आइए। हमारे महल में आप लोगों का स्वागत है। शुक्रिया रानी साहिबा, लेकिन अगर कल की तरह आज भी चांद नहीं निकला तो? आप आइए तो सही, आप अंदर तो आइए, आइए आइए आइए। किसी सहेली आपकी? अरे आइए आइए राजा बबड़म। जापना, हम आपके जश्न ईद में शामिल होने तो आ गए, पर इस बार ईद मनेगी भी या नहीं, या हमें ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजा बबड़म? देखिए, चांद भी निकलेगा और ईद भी मनेगी, ये हमारा वायदा है आपसे। आप आइए। जी जापना, हार नया है? हमारा तो पुराना है। जापना, ये क्या हो रहा है? सब हमसे पूछ रहे हैं चांद निकलेगा के नहीं, चांद निकलेगा के नहीं। ये सतरंगी से पूछिए ना, चांद निकलेगा के नहीं। सही करिए आप रानी साहिबा, ये सतरंगी है कहाँ? सतरंगी जी, सतरंगी जी, दरवाजा खोलिए। सतरंगी जी, लगता है वो अभी तक सपना देख रहे हैं, है ना? लेकिन ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? बीरबल, ये क्या हो रहा है, ये कैसी हड़बड़ी मची हुई है वहां? जा बना जा, फिर जाओ, हम देते हैं, हम यहाँ कंचे खेलने के लिए नहीं खड़े। जा बना। बलदेव जी, आप अगर आराम से बोलेंगे तो भी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। मालूम है, मालूम है। जा बना, ये सतरंगी जी उठ नहीं रहे हैं, उठाने के लिए हम दरवाजा पीट रहे हैं। बाप रे बाप, इसे कुछ हो तो नहीं गया? चांद को वापस लाने का हाल हमें कौन बताएगा?
हम अपनी सहेलियों को कौन सा मुंह दिखाएंगे? पप्पी, ऐसा मुंह दिखा देना आपकी बात भी हो जाएगी और मुंह भी नहीं दिखेगा, है कि नहीं? अरे पहले जरा ठीक से पता तो कीजिए कि माजरा क्या है। इतने सारे गबरू जवान हैं, आप लोग तोड़ दीजिए दरवाजा। ठीक है जामना, हम तोड़ते। अरे रानी साहिबा रुकिए, दीवारें तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, दरवाजा तोड़ने के लिए कह रहे हैं। इतने सारे हैं बाकी के, वो तोड़ेंगे। अब्बा हुजूर, हम है ना शाही खून है, हम अभी अपने शाही फौलादी हाथों से ये छोटा सा दरवाजा तोड़ देते हैं। शहजादे सलीम आइए। सलीम बेटा, अरे सलीम बेटा, बेटा तू ठीक तो है? एमी एमी जी। क्या एमी है जी? अम्मी जान हम ठीक है। अरे सतरंगी, तुझे अभी दरवाजा खोलना तो। अभी देर खुली तो हमने दरवाजा खोल दिया। अरे सतरंगी जी, हम कब से दरवाजा पीट रहे और आपकी नींद ही नहीं खुलती। कुंभकर्ण के 100वें अवतार, वो इतने दिन बाद आराम का गद्दा मिला था तो हम भी आराम से सो गए। ओहो, देखिए आप हमारे महल में रहिए और आपको खर्राटे मार मार के जितना और सोना है आप सोइए। सबसे पहले ये बताइए कि आपके सपने में वो चांद को वापस लाने का कोई हल मिला? क्या हुआ? हाँ सपने में कुछ तो देखा था मैंने। हाँ सपने में हमने देखा ईद का चांद वापस लाने के लिए शहजादे सलीम को एक दिन तक मुर्गा बनना होगा। हाँ सलीम तो बचपन से ही मुर्गा बनते आया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुर्गे को मुर्गा बनना पड़ेगा, जरूर जरूर बनेंगे वो मुर्गा। और कुछ? वो रानी साहिबा आपको एक दिन भूखे रहना होगा। नहीं नहीं वो रहेंगी रहेंगी, वो भूखी रहेंगी, जरूर रहेंगी, क्यों नहीं रहेंगी। और कुछ? जापना आपको नंगे पांव आधे पहर तक। अरे हाँ हाँ ये भी कोई बात हुई, नंगे पैर हमें आधे पैर चलना है? अरे आप कहेंगे हम तीन चार पैर चल जाएंगे नंगे पैर, अभी 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 चलना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं जापना, हमने सपने में देखा आपको नंगे पांव गरम अंगारों पे आधा पैर बिताना होगा। क्या क्या कहा आपने? तपते अंगारों पर? हाँ हम माफी चाहेंगे लेकिन हम तपते अंगारों पर नहीं चल सकते। हमें जो ऊपर वाले ने दिखाया सपने में वो हमने आपको बता दिया। ये सब होने के बाद सब लोग खुशी खुशी ईद मना रहे थे। इसका मतलब इस बार ईद तब मनेगी जब ये तीनों चीजें एक साथ होंगे। हाँ तो हम चले। सतरंगी जी आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए आप शाही मेहमान बन कर रही है, शाही भोजन कीजिए और सो जाइए, क्योंकि नींद तो दिन में भी आ सकती है और जब नींद आएगी तो सपने आएंगे, सपने आएंगे तो आपको और सरल उपाय मिलेंगे चांद को लाने के। ठीक है तो आप सोइए, सपने देखिए और बेहतर और सरल उपाय बताइए चांद वापस लाने के। ठीक है इनके लिए शाही भोजन आराम कीजिए, आप सपने देखिए, जाने दीजिए और अच्छे सपने देखिएगा। हाँ इस समस्या का हल दीजिए हमें। आदाब बलदेव जी। आदाब आदाब दिल खुश कव्वाल जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेगम साहब कहाँ हैं? आई है ना। अरे बेगम अफसाना। आदाब आदाब, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अभी हम व्यस्त हैं, बाद में आप लोगों से मिलता हूँ जी। आइए दिलखुश जी आइए, आप यहाँ खड़े खड़े अपने पैरों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? जाइए मतलब आइए।
हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं, मेहमान खाना, आइए। जी शुक्रिया। बस ये रहा आपका मेहमान खाना, आइए जाइए। जी हुँ? ये तो खिड़की है। वो दरअसल हमारे यहाँ महल में सारे मर्द खिड़की से ही जाते हैं। जाइए जी, जाइए ना, जाइए। अरे आप कहाँ जा रही हैं? ये मर्दाना कमरा था, जनाना कमरा महल के उस तरफ है अनजाना। हमारा नाम अफसाना है। माफ कीजिए, चलिए उस तरफ, उस तरफ, चलिए उस तरफ। चापना, हम भूखे प्यासे रह लेंगे, पर आपको अंगारों पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। रानी साहिबा, रमजान के पूरे महीने रोजे रखने के बाद जब लोगों को ईद का चांद दिखाई देता है तो जैसे उनके अंदर एक खुशी की लहर सी दौड़ती है, जैसे उनको उनकी तपस्या का फल मिल गया। बच्चे अपने माँ बाप से जिद करके नए नए कपड़े सिलवाते हैं। हमारी रियासत के गरीब लोग ज़कात पाने के लिए हमारे महल के बाहर दिन रात खड़े रहते हैं, और वो ज़कात जो उन्हें मिलती है उससे उनकी ईद मनती है। रानी साहिबा, अब आप ही बताइए, अगर चांद ही नहीं निकला तो इन सारे लोगों की खुशियों पे जैसे ग्रहण लग जाएगा। पर जहां पना, ईद तो तब मनेगी ना जब चांद दिखेगा, और उसके लिए आपको आधा पैर नंगे पांव अंगारों पर खड़े होना पड़ेगा। वो बादशाह ही क्या रानी साहिबा, जो अपनी रियाया की खुशी के लिए कुर्बानी भी ना दे पाए। हम आधा पैर नंगे पांव अंगारों पर गुजारने के लिए तैयार है। झापला, आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे आपकी जान भी जा सकती है। अगर बहना खाना पीना छोड़कर बैठी है। अब आप ही बताइए बलदेव, हम और कर भी क्या सकते। अगर एक जान जाने से हजारों लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो हम ये खुशी खुशी करने के लिए तैयार हैं। अभी बताता हूँ बुबू, आपने सारा काम ही गड़बड़ कर दिया है। फुफू, ये सतरंगी कह रहा है कि इसको रात को नींद आई तो सपना नहीं आया, दिन में इसको नींद नहीं आई। अब नींद नहीं आई तो सपना तो आना चाहिए ना। जापना, रात में इतना सो लिया कि अब दिन में कैसे नींद आएगी, और नींद नहीं आएगी तो सपना भी नहीं आएगा। जाने दीजिए ना जापना मुझे। नहीं सतरंगी, अब तो अपने सपने को सच होता हुआ देख कर ही आप यहाँ से जाएंगे। शाम होने से पहले अंगारे बिछाए जाए, हम आधा पहर अंगारों पर गुजारेंगे, और जरूर गुजारेंगे, और आसमान में चांद को एक बार फिर वापस ला कर रहेंगे। राजा बीरबल की जय हो। आपने जो कहा था हमने सब पता कर लिया। जल्दी बताइए। नहीं रानी साहिबा, एक बार हम कुछ ठान लेते हैं फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। जापना, सुनिए, अगर ये प्रयास करते वक्त खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो। अगर हमें कुछ हो जाता है तो ना चाहते हुए भी शहजादे, आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो शहजादे कहाँ हैं? अरे उन्हें भी तो मुर्गा बनना है। हाँ फुफू, जब से सलीम भाई साहब को मुर्गा बनने की बात पता चली तब से ही लाभ पता है नहीं? ये हो क्या रहा है रानी साहब, कहाँ है, कहाँ है ये घन चक्कर? अंगारे ठंडे हो रहे हैं। आप ज्यादा मत बोलिए नहीं तो आपको अंगारों में सुला देंगे। जब ना हम अभी शहजादे सलीम को ढूंढ कर लाते हैं। या खुदा, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हैं आप हमारा। कवाल दिलकुश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं आप? अपनी बेगम अफसाना को। आपकी बेगम भी गायब हो गई है? हाँ जहाँ पना, सुबह शहजादे सलीम उन्हें जनाना कमरा दिखाने ले गए थे,
उसके बाद से अफसाना दिखी नहीं। शहजादे सलीम बिना अव्वल दर्जे के नालायक हैं ये रानी साहिबा, और वैसे भी हम इस नालायक का इंतजार कर ही क्यों रहे हैं? हम तो अंगारों पर झापना। अब क्या हो गया? अब कौन गायब हो गया? गायब नहीं हुआ झापना, गजब हो गया। ईद का चांद नजर आ गया झापना। क्या रानी साहिबा, सुना आपने? ईद का चांद। चलिए चलिए, आराम से चलिए, अभी जहां तक जला सकते हैं चलिए। आइए झापना, आइए, ये देखिए। अरे हटिए ना बलदेव, अब चांद दिख रहा है क्या? अरे भाई साहब हटिए ना जरा। बिल्कुल ये हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हम तो अंगार पे चले भी नहीं और शहजादे सलीम तो मुर्गा भी नहीं बने, फिर ये चांद हाजिर कैसे हो गया? जापना ये तो इनसे ही पूछना पड़ेगा कि कैसे हाजिर हो गए चांद से। जी हाँ जापना, हम पूछते हैं। चंदा मामू जी, आप कैसे आज हाजिर हो गए और अब तक कहाँ गायब थे? हम कहीं गायब नहीं हुए थे, हम तो कल भी इसी जगह थे बिरबल। अरे ये तो कमाल हो गया, चांद बोल रहे हैं। चंदा मामा जी, जब आप कल भी यही थे तो दिखाई क्यों नहीं दिए? क्योंकि कल आसमान में एक रहस्यमय धुआं भर गया था। रहस्यमय धुआं? जिस वजह से हमें भी तुम सब दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सतरंगी जी, आपने सपने में ये देखा कि ईद का चांद नहीं दिखाई देने वाला, आपने ये रहस्यमय धुआं क्यों नहीं देखा? बीरबल जी, हम क्या जाने, ऊपर वाला जो सपना दिखाता है वही तो हम देखते हैं ना। वैसे हमारे तहकीकात के अनुसार आप भी आगरे में 10 दिन से पहले कभी दिखे नहीं। क्या कहे जा रहे हैं आप बीरबल, आप ठीक से समझाइए, आखिर ये माजरा क्या है? ये किसी की नापाक चाल है जापना, किसी ने आसमान पर इतना धुआं छोड़ रखा है कि उसके काले बादल बन गए, जिसके पीछे ईद का चांद छुप गया है, इसलिए रात में ईद का चांद नजर नहीं आ रहा। दिन में ये धुएं के बादल सूरज की तेज रोशनी और गर्मी के कारण ये धुआं पिघलकर राख बन जाता है। हमारे सिपाहियों को पहाड़ियों पर राख के बेशुमार अंश मिले हैं जापन। ओहो, तो आपके कहने का मतलब है कि अब वो धुआं नहीं है, इस वजह से हम चांद को देख पा रहे हैं। वो क्या है जापना, कि हमने चंदा मामा को चिट्ठी लिखकर कहा कि चंदा मामा जी, आसमान में धुएं के बादल है इसलिए आप दिखाई नहीं दे रहे, आप जरा तेज चमकिए ताकि आप हमें दिखाई दे और हम ईद मना पाए। क्या बीरबल जी, चांद को कोई चिट्ठी कैसे लिख सकता है? सतरंगी जी, जब हम चंदा मामा से बात कर सकते हैं तो चिट्ठी नहीं लिख सकते? तो वही बात तो समझ में नहीं आ रही, चांद से कोई बात कैसे कर सकता है? सतरंगी जी, आप सपना देख के भविष्यवाणी कर सकते हैं कि चांद दिखने वाला नहीं है, तो हम बात क्यों नहीं कर सकते? हम जानते थे ना चांद नहीं दिखेगा। आप कैसे जानते थे? ये धुआं के आपने छोड़ा है? हाँ। ओहो, सतरंगी रे, हिरासत में ले लो इस नामाकूल को, इसकी सजा हम बाद में मुकर्रर करेंगे। लेकिन बीरबल, फिर भी ये चांद बोल कैसे रहा है? नहीं चंदा मामा बोल रहे, नहीं आसमान में कोई चांद दिखाई दे रहा है। अरे चांद तो गायब हो गया। मैं हूं आपका चांद वासु। यहाँ क्या चल रहा है, हमें कोई कुछ बताएगा? बलदेव जी, अभी बताते हैं कि चांद गायब कैसे हुआ, हम आपको समझाते हैं जापना। ये रहा आपका चांद जो आपको वहां आसमान में दिखाई दे रहा था। हमने एक आईना लिया, उस पर चांद का एक आकार बनाया और बाकी आईने को काला कर दिया। इस आईने को हमने महल के आंगन में रख दिया और उस पर तेज रोशनी मारी और इस आईने का प्रतिबिंब पड़ा वहां आसमान में।
जहाँ हमने एक बड़ा कपड़ा दो पेड़ों के सहारे बांध रखा है। क्योंकि आईने पर चांद का आकार था, इसलिए इसका प्रतिबिंब भी चांद के आकार में वहां पड़ा और आप सबको लगा कि आसमान में ईद का चांद दिख रहा है। यानी कि ये चांद जो हमारी आंखों के सामने है, ये भी नकली और असली चांद अभी भी धुएं के पीछे छिपा हुआ। जी हाँ, जा पड़ा ईद का असली चांद तो अब भी धुएं के पीछे। सतरंगी हमें बताएगा जा पड़ा कि इतना सारा धुआं आसमान में कहां से छोड़ा जा रहा है और कौन से यंत्र से। वो यंत्र हमने तहखाने में छुपा के रखा है। शाम को पहाड़ी पे गया, धुआं छोड़ा, वापस ला करके उस यंत्र को तहखाने में छुपा दिया। माफी जापाना, माफी। आपके दुश्मन वसीम खान ने साजिश के तहत मुझे यहाँ भेजा था ताकि आपका ईद का मजा किरकिरा हो जाए और इन मेहमानों के सामने आपकी जग हसाई हो। वसीम खान, उसे तो पहुंचा देंगे हम शमशान। ओहो, पर हमारा शाही खून, हमारा मतलब है हमारा लाडला कहाँ है? अम्मीजान, आपका लाडला यहाँ है रानी साहब। अम्मीजान, अम्मीजान, अम्मीजान। सलीम बेटा। अम्मीजान, ये इस सतरंगी ने हमें तहखाने में बंद करके रखा हुआ था क्योंकि हमने इसका धुआं छोड़ने वाला यंत्र देख लिया था। ले जाओ इस सतरंगी को, अब अपने बाकी के सपने आप कैद खाने में देखिएगा। ले जाओ। जा बना, जल्द ही आसमान से धुएं के बादल हट जाएंगे और ईद का चांद हम सबको नजर आएगा। बहुत खूब बीरबल, लेकिन शहजादे आप हमें एक बात बताइए, आप तहखाने में गए ही क्यों थे? हम वो अफसाना को वहां पे छुपाने गए थे ताकि जश्न ईद के मौके पर अनारकली उनकी जगह कव्वाली गा सके। पर हमारी अफसाना बेगम है कहाँ? अरे हम यहाँ हैं। देख लिया आपने रानी साहिबा, अगर आपने पहले ही अनारकली को कव्वाली करने का एक मौका दे दिया होता तो आपके बेटे इस तरह छिपन छिपाई का खेल नहीं खेलते। ठीक है ठीक है, अफसाना के साथ अनारकली भी कव्वाली गा सकती। बहुत खूब झांपना, झांपना नजर आ गया, नजर आ गया झांपना, नजर आ गया ईद का चांद सचमुच में नजर आ गया। झांपना, चांद मुबारक। झांपना आपको चांद मुबारक, चांद मुबारक, चांद मुबारक, आप सबको चांद मुबारक। अकबर बीरबल के सभी कलाकारों की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। आप इसी तरह हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और हम इसी तरह आपका मनोरंजन करते रहेंगे। हम सब की तरफ से ईद मुबारक।